नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयान। मालदा हिंसा की समीक्षा के लिए बीजेपी का केंद्रीय दल आज सुबह मालदा पहुंच गया। बीजेपी के तीन नेता एसएस अहलूवालिया, भूपेंद्र यादव और विष्णु दयाल राम मालदा पहुंचे हैं। तीनों नेताओं को पुलिस ने स्टेशन से बाहर जाने से रोक दिया है। ये तीनों नेता मालदा की घटना की वजह की पड़ताल पर बीजेपी केंद्र नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। मालदा से इन नेताओं को कालिया चौक पहुंचना है। आपको बता दें कि मालदा जिले के कालिया चौक में कुछ दिन पहले एक जुलूस निकाला गया था। इसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई थी। जुलूस में शामिल लोगों ने थाना सहित कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। आज दिल्ली हाईकोर्ट ये तय करेगी कि ऑड इवन फॉर्मूले को आगे जारी रखा जाएगा या नहीं। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम होने का दावा किया था। वहीं दिल्ली सरकार के दावे के उलट केंद्रीय एजेंसियों का कहना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, उल्टे लोगों की मुश्किलें बढ़ी ही हैं। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद शनिवार को पहली बार प्रदूषण में 50% की कमी देखी गई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मुताबिक दिल्ली में 18 जगहों से लिए गए सैंपल्स के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने आदेश दिया है कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर की फाइल के अलावा सारे मामले वो खुद देखेंगे। वहीं इस आदेश के बाद गृह विभाग के अफसर गृह सचिव को रिपोर्ट करने के बजाय अब सीधे सत्येंद्र जैन को रिपोर्ट करेंगे। नर्सरी एडमिशन्स को लेकर दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत दिल्ली में एडमिशन की निगरानी खुद दिल्ली सरकार करेगी और जिनका एडमिशन होगा उन बच्चों का नाम दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर भी आएगा। और इसी के साथ स्कूलों में कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा है कि जो स्कूल इन शर्तों को नहीं मानेगा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के चारवें दिन यानी कि रविवार रात तक अभी नई सरकार बनाने की कवायद शुरू नहीं की गई। रविवार की पीडीपी विधायक दल की बैठक जरूर हुई, लेकिन अब तक सरकार बनाने को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। पीडीपी सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती शपथ ग्रहण के लिए अभी और समय ले सकती हैं। अभी तक राज्य में नई सरकार के गठन के लिए पीडीपी के मुताबिक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पीडीपी ने नई सरकार बनाने के संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। और यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अलावा कई नेताओं ने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर संवेदनाएं जताई। पठानकोट हमले के मामले में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह आज एनआईए के सामने पेश होंगे। सलविंदर सिंह को जांच एजेंसी ने नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में समन किया था। पठानकोट में 2 जनवरी को एयरफोर्स स्टेशन पर हुई आतंकवादी हमले के बाद से सलविंदर सिंह एनआईए के संदेह के घेरे में है। सलविंदर सिंह पहले ही एनआईए को बयान दर्ज करा चुके हैं कि अब एजेंसी उनसे आगे की पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि एनआईए आज दिल्ली में एसपी सलविंदर सिंह का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा सकती है। बटाला पुलिस की तरफ से 9 जनवरी को एक केस दर्ज किया गया, जिसमें खुलासा किया गया है कि नौजवानों को भारत पाक सरहद पर रेकी करते हुए पकड़ा गया। हालांकि पुलिस की तरफ से नौजवानों के खिलाफ जमानती धाराओं में केस दर्ज किए जाने से सवाल भी खड़े हो गए। वहीं नौजवान के परिवार की माने तो उनके बेटे दिमागी तौर पर परेशान हैं और पहले भी वो घर से कई बार निकल चुका है। बिहार सरकार की वेबसाइट में इंदिरा गांधी के शासन की ब्रिटिश राज से भी खराब बताया गया है। वेबसाइट पर बिहार के इतिहास की समीक्षा की गई है, इस बहाने ब्रिटिश राज और इंदिरा राज की तुलना की गई। वेबसाइट में और कहा गया है कि अंग्रेजी शासन के दौरान चंपारण सत्याग्रह के समय जैसा व्यवहार महात्मा गांधी के साथ किया गया था, इमरजेंसी के दौरान उससे भी बदतर व्यवहार लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ हुआ। वहीं इस मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस नेता चंदन यादव ने कहा है कि ये स्वीकार्य नहीं है और इस मुद्दे को पार्टी उठाएगी। जिले के शकुरपुर इलाके में बीती रात लूट के मकसद से एक घर में 5 लुटेरे घुस आए। इससे पहले कि लुटेरे कुछ कर पाते, लोगों ने एक लुटेरे को धर दबोचा और 4 वहां से भागने में कामयाब रहे।
हालांकि इससे पहले एक लुटेरे ने फायरिंग भी की, लेकिन लोगों के हौसले के सामने लुटेरों की एक नहीं चली और वो वहां से दम दबाकर भाग गए। पकड़े गए लुटेरे के पास से पुलिस ने देसी पिस्तौल और चाकू बरामद किया है। पुलिस बाकी लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता के दावा किया है कि डीडीसीए जांच समिति के अध्यक्ष चेतन सांघी ने दबाव के चलते अपनी रिपोर्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम दिया है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष गुप्ता ने आरोप लगाया है कि चेतन सांघी ने गृह सचिव की चिट्ठी लिखकर जिसमें दबाव में जेटली का नाम लेने की बात कही गई है। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली अपने कॉन्सर्ट के लिए आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे। तृणमूल कांग्रेस के न्यौते पर भारत आ रहे गुलाम अली कल कोलकाता में परफॉर्म करेंगे। गुलाम अली का यह कार्यक्रम नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगा। ये कार्यक्रम उनके साथ उनके पुत्र भी होंगे। आपको बता दें कि पिछले साल मुंबई में जबरदस्त विरोध के कारण गुलाम अली को अपना कॉन्सर्ट रद्द करना पड़ा था। साल 2012 में सेना के दिल्ली कूच करने को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, तो वहीं तत्कालीन सैन्य प्रमुख वीके सिंह ने तिवारी पर पलटवार किया है। पूर्व सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि उनके पास कोई काम नहीं है, लिहाजा उन्हें मेरी किताब पढ़नी चाहिए, तो वहीं कांग्रेस नेता पीसी चाको ने भी मनीष तिवारी के बयान से का खंडन किया है। जबकि अभिषेक मनु सिंह ने कहा है कि मनीष तिवारी पार्टी के प्रवक्ता है ही नहीं और न ही इस मामले में उनकी जानकारी है, इसलिए उन्हें इस मामले में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। आपको बता दें कि तिवारी ने पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की उस विवादित खबर को सही करार दिया है जिसमें फौज को दो यूनिट के दिल्ली की ओर कूच करने की बात कही गई है। राम मंदिर बनाने के मुद्दे पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अब बीजेपी नेता राम माधव का समर्थन हासिल हो रहा है। राम माधव ने साफ कहा है कि स्वामी के प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्वामी ने कहा कि मुसलमान 3 मंदिर दें और 39,997 मस्जिद अपने पास रख ले। स्वामी ने यह भी कहा है कि अगर राम मंदिर बन गया तो फिर मथुरा और काशी में भी विवादित जमीन पर मंदिर का निर्माण हो जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके लिए सरकार और मुसलमानों से मदद करने की अपील की है। उनका कहना है कि आम मुसलमान मंदिर निर्माण चाहता है लेकिन नेता ऐसा करने नहीं देते। इधर विपक्षी दलों ने सुब्रमण्यम स्वामी पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है कि स्वामी चाहे तो सारे मस्जिद ले लें और इबादत करें। वहीं इस मामले में पक्षकार हाशिम अंसारी ने कहा है कि स्वामी को अपनी बात वापस लेनी चाहिए, जबकि कांग्रेस और जेडीयू ने स्वामी के बयान को गलत करार दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा है कि संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू संस्कृति है। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि संस्कृति की है और हमारी पहचान भी। भागवत ने कहा है कि सब लोग जानते नहीं, सब मानते भी नहीं, लेकिन सब हिंदू हैं क्योंकि इसकी विरासत को सबने माना है। देश भर में असहिष्णुता पर बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रधर्म सभी धर्मों से ऊपर है और भारत का दुनिया में योगदान आध्यात्मिक है न कि सांप्रदायिकता। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात रविवार को मुंबई में एक जैन ऋषि पर लिखी किताब के विमोचन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा। अहमदाबाद और वडोदरा में काइट फेस्टिवल 2016 का आयोजन किया गया। फेस्टिवल के दौरान आकाश में एक से एक अनोखी रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई नजर आई। इस आयोजन में 9 देशों ने हिस्सा लिया है। चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया जैसे देशों में मंचे हुए पतंगबाज यहां पतंगबाजी करने आए। वहीं सूरत में लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूक कराने के लिए काइट फेस्टिवल के आयोजन किया गया, जहां पतंग पर स्लोगन के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश भी की गई। पहाड़ी इलाके में लगातार बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि। धर्मशाला में बारिश से किसान बहुत खुश नजर आ रहे हैं। शिमला में शीतलहर चलने की वजह से पारा भी गिर गया है। पुंछ और राजौरी में बर्फबारी के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बचने के लिए लोग आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी शीतलहर चलने से ठंड बढ़ गई है। ठंड का असर कम होने की वजह से लुधियाना में कपड़ा व्यवसायी संकट से गुजर रहे हैं। इस साल गर्म कपड़ों की बिक्री में करीब 50% की कमी दर्ज की गई थी। बिक्री में कमी की वजह से दुकानदार परेशान है। वहीं बिक्री में कमी की वजह व्यापारी सर्दी का देर से पड़ना बता रहे हैं, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं जयपुर में भी सर्दी नहीं पड़ने से व्यापारियों की बिक्री पर खासा असर पड़ा है। व्यापारियों के मुताबिक हर साल के मुकाबले इस बार गर्म कपड़ों की बिक्री में महज 25% रह गई है। चेन्नई के YMCA स्टेडियम में 109वीं मद्रास केनी क्लब ऑल ब्रिड
डॉग शो प्रतियोगिता आयोजन की गई। इस साल प्रतियोगिता में 370 एंट्री के साथ करीब 40 से ज्यादा नस्ल के कुत्तों ने यहां पर हिस्सा लिया। पंजाब के अमृतसर में 3 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी आवारा कुत्तों ने झुंड बनाकर उस पर हमला कर दिया। शोर सुनकर जब तक घर वाले आए और लाठी और डंडे से कुत्तों को भगाया, बुरी तरीके से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मथुरा के थाना सुरीर इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से आगरा जा रही एक तेज रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में गाड़ी में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कुआलिस्का कटार पटने से यह हादसा हुआ। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रविवार को एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घर से संजय नाम के शख्स के अलावा उनकी पत्नी ज्योति और 23 साल के बेटे पवन का शव बरामद किया गया। हत्या की वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब घर में काम करने वाली घरेलू नौकरानी आई। मां बेटे की हत्या गला दबाकर की गई। दंपति के बेटे पवन के हाथ बंधे हुए थे, वहीं पिता संजय का शव अलबारी में छिपाया गया था। पुलिस लूट या चोरी की आशंका को मद्देनजर रखकर ही जांच कर रही है। पहले पुलिस 2 हत्या बता रही थी, लेकिन जैसे जांच आगे बढ़ी तो मालूम चला कि घर में 2 नहीं 3 हत्याएं हुई हैं। पंजाब के अमृतसर में पुलिस के सामने एक शख्स को तलवार से मारने की कोशिश की गई। इसी भीड़ में अचानक एक शख्स युवक पर तलवार से हमला कर दिया और एक के बाद एक कई बार करते गया। इस पूरी मारपीट के दौरान वह मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। हालांकि गनीमत यह रही कि तलवार के हमले के बाद भी युवक को गंभीर चोटें नहीं आई। झारखंड के निरसा में बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान के लूट ली। ग्राहक बनकर आए शातिर चोरों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक की आंखों में मिर्च का पाउडर डाला और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के गोरखपुर में 3 दिन पहले हुए डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने इस मामले में दंपति के ही ड्राइवर और उसके मामा को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी भी 3 अन्य लोगों की तलाश पुलिस को है। पुलिस के मुताबिक ये घटना लूट के इरादे से की गई। मध्य प्रदेश के सागर में सोनाधा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में काले हिरण का शिकार करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं काले हिरण के शिकार के आरोप में पकड़े गए इन 4 आरोपियों में एक रणजी खिलाड़ी भी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसे पुलिस ने काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कुछ अज्ञात बदमाश एक बाइक एजेंसी मालिक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वहां से भाग निकले। पुलिस ने घायल एजेंसी मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया। जिले में सरेआम हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। मेरठ के कार सवार अज्ञात बदमाशों ने तेल व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट की और विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी की गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टर ने अंशुल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस घटने को लूट के विरोध में हत्या मानकर रंजिश हत्या मान रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी मांगने वाला शख्स का नाम दीपक जायसवाल है। रंगदारी नहीं देने पर मधु कोड़ा को जान से मारने की भी धमकी दी गई। मधु कोड़ा ने इस बाबत लालपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। रुड़की पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध बांग्लादेशी व्यक्ति को पकड़ा है। ये व्यक्ति अवैध रूप से कलियर में रह रहा था। दिन मोहम्मद नाम के इस व्यक्ति को पुलिस पहले भी 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि दीन मोहम्मद का कहना है कि वो 1992 से भारत में रह रहा है और दिल्ली के में उसने शादी की। उसका परिवार कलियर में ही है। राजस्थान के टोंक जिले में देवली में हुए रोडवेज बस हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई। गंभीर घायलों को जयपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 और रोडवेज की ओर से 10,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की गई है। हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। इंदौर में इम्पोर्टेड शराब का अवैध कारोबार करने वाले एक व्यापारी के 2 ठिकानों पर छापा मारकर आबकारी पुलिस ने 1 करोड़ रुपये की शराब बरामद की है।
ये शराब घड़ियों के पार्सल के आड़ में मुंबई से ट्रेन और बस के जरिए इंदौर लाई जाती थी। असम की एक महिला को उसके ही सगे भाई ने वैश्यवृत्ति के धंधे में धकेल दिया। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को दिल्ली की एक महिला को 20,000 रुपए में भी बेच दिया। पीड़ित महिला को इसके बाद वैश्यवृत्ति के लिए रोहतक लाया गया, जहां उसे एक महिला और उसके दो साथियों ने करीब 15 दिन तक घर में बंधक बनाकर वैश्यवृत्ति कराई। बाद में इस महिला ने एक दूसरी युवती की मदद से किसी तरीके से खुद को छुपाया और सीधे रोहतक के महिला पुलिस थाने पहुंचकर आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने महिला के भाई समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीतामढ़ी पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी महेशिया पर एक पत्रकार की हत्या का आरोप है, वहीं दूसरा अपराधी श्याम सुंदर पर भी कई मामले दर्ज है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों पर सीतामढ़ी के अलग अलग थानों में 3 हत्या और रंगदारी के कई मामले दर्ज किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को नंबर 2 वनडे रैंकिंग बरकरार रखने के लिए कम से कम एक मैच जीतना ही होगा। रैंकिंग में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया शिखर पर है और दोनों देशों के बीच मंगलवार को 5 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिन मुनेरो ने T20 क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जमाया है। कॉलिन ने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 14 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए हैं। ऑकलैंड में श्रीलंका को दूसरे T20 में हराकर न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने 143 रन का लक्ष्य दिया, जिसके मेजबान टीम ने 10 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल भी कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हार के साथ ही श्रीलंका की T20 में नंबर 1 रैंकिंग भी छीन गई है। वेस्टइंडीज की टीम दूसरे से पहले पायदान पर छलांग लगाकर अब शीर्ष पर काबिज हो गई है। पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल पर PCB ने एक मैच का बैन लगा दिया है। अकमल का कपड़ों की आचार संहिता का दोषी पाया गया है और वह अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 नहीं खेल पाएंगे। मुंबई में फिल्म फेयर से पहले प्री बास का आयोजन किया गया। इस मौके पर अवार्ड के नॉमिनीज के नाम भी बताए गए। इस मौके पर सभी कलाकार बहुत उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा, संजय लीला भंसाली समेत तमाम बड़े कलाकार मौजूद रहे। अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल में खास जगह बनाने वाले ऋतिक रोशन कल 42 साल के हो गए हैं। 2000 में आई उनकी फिल्म ना कहो ना प्यार है में ऋतिक ने बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री की थी। ऋतिक की अगली फिल्म मोहनजोदाड़ो है, जो इसी साल रिलीज होने वाली है। अक्षय कुमार और निमरत कौर मुंबई में हुए वॉक फॉर हेल्थ प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर अक्षय ने हरी झंडी दिखाकर वॉक फॉर हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की।